अर्धचालक क्या होते हैं या सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, आज मैं डॉक्टर वंदना रंगा आपके साथ इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अर्धचालकों के चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन तथा संयोजी बैंड में होल आवेश वाहक के रूप में पाए जाते हैं। शून्य केल्विन ताप पर अर्धचालक व संयोजी बैंड की अनुमत अवस्थाओं पर इलेक्ट्रॉन पूरित रहते हैं, जबकि चालन बैंड की अवस्थाएं एकदम खाली होती है। इस प्रकार शून्य केल्विन पर सिर्फ एक कुचालक ही होगा, लेकिन यथार्थ कुचालक की तुलना में अर्धचालक में केवल एक ही अंतर होता है कि वह यह कि यथार्थ कुचालक के बहुत चौड़े वर्जित ऊर्जा अंतराल की तुलना में अर्धचालक की वर्जित ऊर्जा अंतराल अत्यंत सकड़ा होता है। तो ये हमने डिस्कस किया कि ये अर्धचालक क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले नैज तथा अपद्रव्यी अर्धचालक या इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, हम इसके बारे में बात करेंगे। और हम जानते हैं कि ये अर्धचालक इन्हीं दो प्रकार के होते हैं। तो सर्वप्रथम नैज अर्धचालक या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या चीज़ होती है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। परम शून्य ताप पर नैज या शुद्ध अर्धचालक कुचालक के समान व्यवहार करते हैं, लेकिन कमरे के ताप पर संयोजी बैंड के कुछ इलेक्ट्रॉन तापीय ऊर्जा ग्रहण करके चालन बैंड में पहुंच जाते हैं तथा संयोजी बैंड में उतने ही रिक्त स्थल या होल शेष रह जाते हैं। ऐसे अर्धचालक को नैज अर्धचालक कहते हैं। उदाहरण के लिए आवर्त सारणी या पीरियोडिक टेबल में चतुर्थ समूह या फोर्थ ग्रुप के तत्वों में हीरक, डायमंड तथा सिलिकॉन एवं जर्मेनियम तत्वों की तुलना की जा सकती है। हीरक के लिए Eg = 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सिलिकॉन के लिए Eg = 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा जर्मेनियम के लिए Eg = 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अतः हीरक में वर्जित अंतराल का मान अधिक होने के कारण सामान्य ताप पर इनके संयोजी इलेक्ट्रॉन इतनी ऊर्जा प्राप्त नहीं कर पाते जिससे वह चालक बैंड में पहुंच सके। अतः सामान्य ताप पर हीरक कुचालक ही रहता है। दूसरी तरफ सिलिकॉन अथवा जर्मेनियम के संयोजी इलेक्ट्रॉन सामान्य ताप पर ही ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में इतनी ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं कि वे चालन बैंड में पहुंच जाते हैं। अतः कमरे में सामान्य ताप पर जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन सुचालक के कार्य करते हैं, जिसके कारण जर्मेनियम सिलिकॉन इत्यादि के नैज अर्धचालक कहा जा सकता है। अब हम बात करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या अपद्रवी अर्धचालक किसे कहते हैं, तो हम उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करते हैं। नैज अर्धचालक की विद्युत चालकता बहुत कम होती है। इन अर्धचालकों में उपर्युक्त अशुद्धि या अपद्रव्य मिश्रित कर उनकी चालकता आवश्यकता अनुसार परिवर्तित की जा सकती है। अपद्रव्य युक्त अर्धचालक अपद्रवी अर्धचालक कहलाते हैं। नैज अर्धचालक जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन चतुर्संयोजी होते हैं, अर्थात आवर्त सारणी के चौथे समूह फोर्थ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल में पाए जाते हैं। इस क्रिस्टल में पंच संयोजी तत्व या फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट को अशुद्धि के रूप में मिलाने पर जो पदार्थ बनाता है उसे हम दाता प्रकार या डोनर टाइप या एन टाइप का अपद्रवी अर्धचालक कहते हैं। इस प्रकार चतुर्संयोजी तत्वों के साथ यदि त्रिसंयोजी तत्व या थर्ड ग्रुप एलिमेंट में अशुद्धि के रूप में मिलाया जाए तो ग्राही प्रकार या एक्सेप्टर टाइप या पी टाइप का अपद्रवी अर्धचालक बनता है। अशुद्धि की मात्रा साधारणतया अत्यंत कम होती है। उदाहरण के लिए मूल क्रिस्टल के लगभग 10^7 परमाणुओं की तुलना में अपद्रव्य की मात्रा 1 परमाणु होगी। अपद्रवित अर्धचालक का विस्तृत विवरण अब हम आपसे और आगे वाले चैप्टर में करेंगे। अर्धचालक में आवेश वाहक या इलेक्ट्रॉन तथा होल वो क्या होता है, यानी कि चार्ज कैरियर्स इन सेमीकंडक्टर्स इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, अब हम इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे। नैज अर्धचालक में शून्य केल्विन पर संयोजकता बैंड की सभी अनुमत अवस्थाएं या अलाउड स्टेट्स भरी हुई होती हैं तथा चालन बैंड की सभी अनुमत अवस्थाएं खाली होती हैं। ताप को थोड़ा बढ़ाने से ऊष्मीय उत्तेजन या थर्मल एक्साइटेशन के कारण संयोजी इलेक्ट्रॉन अपनी संयोजकता बैंड की अवस्थाओं को छोड़कर वर्जित अंतराल को पार करते हुए चालन बैंड की किसी खाली अवस्था में पहुँच जाते हैं। अतः ताप के बढ़ने से चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है जो पदार्थ में चालकता का रूप देता है। चालन बैंड के अनुमत अवस्थाओं की संख्या बहुत अधिक होती है, अतः चालन बैंड में पहुंचे इलेक्ट्रॉन एक अवस्था से दूसरी, दूसरी से तीसरी और इस प्रकार पूरे पदार्थ में कहीं भी पहुंच जाते हैं। इस प्रकार का ऋण आवेश के इलेक्ट्रॉन के क्रिस्टल के अंदर गति करने का क्रिस्टल द्वारा विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित हो सकता है, अर्थात क्रिस्टल सुचालक हो जाता है। अतः किसी अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन एक
आवेश वाहक चार्ज कैरियर है जो चालन बैंड में गतिमान होता है, अर्थात इस आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा चालन बैंड की ऊर्जा के संगत होती है। ऊष्मीय उत्तेजन के कारण संयोजकता बैंड में मूलतः भरी हुई अवस्थाओं से इलेक्ट्रॉन के चालन बैंड में चले जाने से अवस्थाएं अब खाली हो जाती है। संयोजकता बैंड की इन खाली अवस्थाएं या एम्प्टी स्टेट्स को होल कहते हैं। संयोजकता बैंड की इन अवस्थाओं में पहले इलेक्ट्रॉन में रहने के प्रत्येक परमाणु का अष्टक पूर्ण रहता था एवं वे स्थायी होते थे। किसी संयोजक आबंध यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड में से यदि एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाए तो यह खाली जगह समान मात्रा के धनावेश के समान होगा, अर्थात एक होल में उतना ही धनात्मक आवेश होगा जितना इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश होगा। अतः सहसंयोजी आबंध के अंदर का यह होल हर समय इलेक्ट्रॉन की आकर्षित करता रहेगा। साथ ही वह परमाणु जिसका एक इलेक्ट्रॉन निकलकर चालन बैंड में चला गया हो अपने आखिरी कक्ष के अष्टक पूर्ण न होने के कारण अन्य इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की प्रयास करेगा जिनकी ऊर्जा इस खाली अवस्था में संगत हो। अर्थात थोड़ी बाह्य ऊर्जा प्राप्त करते ही किसी अन्य सहसंयोजी आबंध का इलेक्ट्रॉन कूद कर इस होल में बैठ जाएगा जिससे अब उसकी अपनी अवस्था खाली हो जाएगी। अर्थात एक होल के भरने से दूसरा होल अन्यत्र पैदा होता है। दूसरे शब्दों में होल जिसमें धन आवेश है का चालन क्रिस्टल के कारण एक जगह से दूसरी जगह हो सकता है एवं इस प्रकार क्रिस्टल के अंदर धारा प्रवाहित हो सकती है। अतः किसी अर्धचालक में होल भी एक आवेश वाहक या चार्ज कैरियर है जो संयोजकता बैंड के गतिमान होता है, अर्थात इस आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा संयोजकता बैंड की ऊर्जा के संगत होती है। यहाँ एक शंका मन में यह उपस्थित हो सकती है कि जिसे हम होल का चालान मान रहे हैं वास्तव में भौतिक रूप से इलेक्ट्रॉन की का ही चालान है। इलेक्ट्रॉन के एक जगह से उठकर किसी होल में बैठने पर उसकी पुरानी जगह होल बन जाता है, अर्थात भौतिक रूप से इलेक्ट्रॉन ही गतिमान है। दोनों एक साथ जमा करेंगे।